मेरे 25 लाख फॉलोवर्स है और मैं शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ इंस्टाग्राम रील्स। अभी आपने एक मंदिर में प्रांगण में वीडियो बनाया है, उसमें आपत्ति जताई गई है, किस तरीके का वीडियो है, क्या कहना चाहेंगे? वो जो मंदिर है जहाँ पे मैंने वीडियोस बनाई है, वहाँ पे हम लोग बचपन से वीडियोस बनाते आए हैं। वो मंदिर ऐसा है कि हमारे घर जैसा है। वहाँ के पंडित जी जो भी हैं, उनको मेरा प्रणाम। उनने भी वीडियोस देखी हैं। उनने मेरे को बोला है कि बेटा, तुमने जो वीडियो बनाई है वो सनातन धर्म के लिए लोग बोल रहे हैं कि ठीक नहीं है, तो उसके लिए मैंने वो वीडियोस हटा दी हैं। पंडित जी ने बोला कि एक तुम माफ़ी टाइप की वीडियो बना के अपने सोशल मीडिया पे डाल दो और सब जगह सर्कुलेट कर दो कि भाई हमसे गलती हुई है उस वीडियो के लिए। तो मैंने सब जगह वो वीडियो अपलोड कर दी। और पंडित जी ने ये भी बोला था सबसे कि उसने वीडियो अपलोड कर दी है तो कोई उस चीज़ को तूल न मचाए कि अब इस चीज़ के लिए बच्ची को फांसी दे देंगे। लेकिन इस चीज़ के बाद भी लोग उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। मैंने वो वीडियो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई थी, सिर्फ ऐसे ही घूमने गए थे। तो हम लोग हमेशा से वहाँ बचपन से वीडियोस बनाते आए हैं, लेकिन अभी मेरे फॉलोवर्स बढ़ गए तो मुझे वो चीज़ दिमाग में नहीं आई कि इस चीज़ का लोग गलत वे में उस चीज़ को यूज़ करेंगे। तो इसलिए मेरे से जो भी गलती हुई उसलिए मैंने माफ़ी भी मांगी और वो मैंने सारे वीडियोस भी डिलीट कर दिए जो भी वीडियोस थी, और उसके लिए मैंने एक माफ़ी वाली वीडियो भी अपने सोशल मीडिया पे अपलोड की है। जो भी इनकम का सोर्स है वो मेरी वही वीडियोस है, क्योंकि मेरे पिता हार्ट पेशेंट है, मैं इकलौती हूँ अपने घर की जो भी अपना घर चलाती है। तो मेरी जो वीडियोस होती है उससे मेरे पापा की दवाई और मेरा घर चलता है। मेरी पढ़ाई भी उन्हीं पैसों से होती है जो उनके थ्रू आती है। कितना इनकम हो जाती है इंस्टाग्राम से? मेरी इतनी इनकम हो जाती है कि मैं अपना घर चला सकूं और अपने मम्मी पापा की दवाई करवा सकूं और अपनी पढ़ाई चला सकूं। बजरंग दल द्वारा एक वीडियो की शिकायत जरूर की गई है। अभी इस वीडियो की जांच की जाएगी, इसमें जो भी तथ्य होंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।